गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे थे आज से एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 15 जिसका नाम है प्रायिकता, इस प्रायिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर ये प्रायिकता होती क्या है? ये कोई नई चीज नहीं है, कक्षा 8 में भी आप लोगों ने प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था कि सम्मान व्यक्त की जा सकती है। इस प्रायिकता की जो सीमा होती है वो 0 से और 1 के मध्य स्थित होती है, यानी अधिकतम मान क्या हो सकता है 1, न्यूनतम क्या हो सकता है 0। यानी प्रायिकता के प्रत्येक सवाल का जो आंसर होगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। यदि किसी कारणवश आपका आंसर 1 से अधिक आ रहा है इसका मतलब गलत, और यदि 0 से कम यानी माइनस में आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर फिर गलत। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रायिकता। आखिर प्रायिकता होती क्या है? संभावना, आप लोगों ने कभी देखा होगा, सुना होगा कि हम कहते हैं कि आज वर्षा होगी, आज भारत मैच जीतेगा, यानी हम सम्मान व्यक्त करते हैं और अचानक हमने कहा आज वर्षा होगी, आज वर्षा हो गई। इसका मतलब हुआ कि हमारी प्रायिकता जो हमने सम्मान व्यक्त की थी वो 100% सत्य हो गई। ठीक है, जैसे हमने कहा आज भारत जीतेगा, भारत नहीं जीता, संभावना हमारी 100% गलत हो गई। कहने का मतलब हुआ कि 2 में से 1 काम होता है कि या तो घटना घटित होती है या उसकी घटना घटित नहीं होती। परंतु कई बार ऐसा होता है 50-50, जैसे मान लीजिए किसी कक्षा के अंदर 20 बच्चों का टेस्ट लिया गया जिसके अंदर से 10 बच्चे 10 छात्र परीक्षा में पास हो गए, 10 फेल हो गए, तो यहां पर पास होने की प्रायिकता कितनी हुई? 10/20, 1/2, यानी यहां पर संभावना कितनी हुई? 50%। यही प्रायिकता होती है, अर्थात प्रायिकता का अर्थ होता है घटना के कुल परिणाम। ये हमारे प्रायिकता की एक छोटी सी बात होती है कि कितनी बार घटना घटित उसकी संख्या तथा कुल कितने हुए। जैसे हमारे पास कुल कितने थे? 20 छात्र थे, पास कितने हुए? 10, 10/20। सपोज करते ये 15 बच्चे पास हो जाते तो यहां कितना हो जाता? 15/20। हमेशा ध्यान रखने की बात होगी हर की संख्या अंश के अधिक या अंश के बराबर हो सकती है, कभी भी अंश से कम नहीं होगी। ध्यान रखने की बात है, क्यों? अगर ये संख्या हो गई तो फिर पॉइंट आउट होगी, यानी 0 से कम हो सकती, 0 से कम कभी भी प्रायिकता नहीं होती। क्यों? यदि कोई घटना ही नहीं घटी उसका तो मान क्या होगा? 0। इस प्रकार के अभी हम कुछ सवालों के बारे में अध्ययन करेंगे प्रायिकता के बारे में। जैसा कि आपको बता दूं, देखिए प्रश्न नंबर 1 कहता है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा कुल 30 गेंद खेली गई जिसमें 6 गेंदे पर उसने चौके मारे, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता, यहां देखना गौर करके, क्या दे रखा है? चौके मारे जाने वाली गेंद
और क्या ज्ञात करना है, नए मारे जाने की प्रायिकता। तो देखिए सबसे पहले चौका नए मारे जाने वाली गेंदों की संख्या कि कितनी बॉलों पर चौका नहीं लगा यह देखना है हमें। तो कितना हुआ, 30 कुल खेली गई थी, 6 यानी 24। चौका नए मारे जाने वाली की प्रायिकता। बराबर चौका ने मारे जाने वाली गेंदों की संख्या बटे कुल खेली गई गेंदों की संख्या। बस अब देखिए 24/30 काट दिया, किससे कटा, 6 से, 6 चौका 24, 6 पंजो 30, क्या आंसर आ गया, 4/5, यही हमारा आंसर है। दोबारा देखिए, एक महिला क्रिकेट टीम में एक जो महिला बल्लेबाज थी उसने 30 कुल गेंद खेली, जिसमें से 6 गेंदे पर उसने चौके मारे, चौका न मारे जाने की प्रायिकता। तो सबसे पहले चौका न मारे जाने वाली गेंदों की संख्या निकालेंगे, कुल कितनी खेली 30, चौका कितने पर मारे 6 पर, कितनी रह गई शेष 24। चौका न मारे जाने की प्रायिकता, चौका न मारे जाने वाले गेंद की संख्या बटे कुल खेली गई गेंदों की संख्या, 24/30 बराबर कितना, 4/5। यह हमारा पहला सवाल इस प्रकार से प्रायिकता का हो चुका, इसे आप अच्छी तरह देखें। इसे हम चाहें तो इसका दूसरा तरीका और है, उस तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। यह तो इसका फर्स्ट मेथड था, अब हम इसका सेकंड मेथड पढ़ते हैं। देखिए इसका सेकंड मेथड में क्या होता है, हमारा सवाल यही है, क्या है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता। ठीक है, हम पहले ज्ञात करते हैं चौका चौका मारे जाने की प्रायिकता। तो देखिए क्या हो सकता है, चौका मारे जाने
वाली गेंदों की संख्या बटे खेली गई गेंदों की कुल संख्या कितनी हो गई? 6/30 बराबर 1/5। ये चौका मारे जाने की प्रायिकता थी। हमें ज्ञात करनी है चौका न मारे जाने वाली चौका न मारे जाने वाली की प्रायिकता। मैंने आपको भी बताया था कुल प्रायिकता एक होती है, तो क्या करना है, एक में से इसको घटा दीजिएगा, 1-1/5 इनका लसाअ पे ले लीजिए, 5 5-1 बोले तो 4/5, यही इसका आंसर है।